मॉर्निंग सर। आओ सूरज आओ। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। किस बात की सर? अरे भाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हें एसीपी बनाकर शहर भेजा जा रहा है ना खुशी की बात? यह रहा तुम्हारा प्रमोशन कम ट्रांसफर ऑर्डर। थैंक यू सर। अरे थैंक यू किस बात का? इस कस्बे से जुर्म मिटाकर तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। लेकिन जरा संभल के, यहां की जमीन छोटी है इसलिए जुर्म भी कम थे। शहर बहुत बड़ा होता है, वहां की हर सांस में जुर्म पलते हैं। सर मुझे विश्वास है यह वर्दी, अपना पुलिस डिपार्टमेंट और इस देश के कानून पर, इन सब की मदद से मैं जुर्म की हर सांस को कानून की कालकोठरी में कैद कर दूंगा। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सूरज। इसी खुशी में चलो आज साथ बैठ के खाना खाते हैं। नहीं सर, आप तो जानते हैं कि मैं अपने दोस्तों के सिवा कहीं और खाना नहीं खाता। भैया के दोस्त होने का ये तो मतलब नहीं कि तुम दिन भर यही डेरा डाले रहो। मैं पूछती हूँ चंदा, तुम्हारे बाप की नौकर है, खोकर की सीटी बजी नहीं कि खड़े हो गए हाजिरी लगाकर। मैंने तुम लोगों को खाना खिलाने का ठेका नहीं रखा है, समझे? ए, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? जा जाओ यहाँ से। आ जाने दो भैया को। साफ साफ कह दूंगी मैं नहीं पका सकती तुम मुसलमानों के लिए दो दो किलो आटे की रोटियां। मस्का मारते हो, चंदा नहीं पड़ने वाली। हाँ अरे कधे के बच्चों, तुम लोग अंधे हो क्या? ये नोटिस बोर्ड पढ़ो, क्या लिखा है मैं बताती हूँ। भैया घर पर नहीं है, बाद में आना, और अब तुम यहाँ से जाना। अरे मेरे बाप लोगों, मैं तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए मना नहीं कर रही। दरअसल आज भैया का जन्मदिन है। क्या है? हैप्पी बर्थडे। इसीलिए कह रही हूँ पहले हमारे भैया खाएंगे, बाद में तुम लोग खाना। अरे चंदा बिटिया, तू क्यों इसे सर खपाती रहती है? मौसी वो तो मैं सब्र कर लेती हूँ, वरना मेरा बस चले ना तो मैं इनको ना पर मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, जा अंदर जाके देख, तेरी दाल जल रही है। दाल? मेरी दाल, मेरी दाल। एक काम में सौ सौ काम, अकेली चंदा करे तो क्या क्या करे? अब ये दाल, मेरा हाथ जल गया। अरे बिटिया क्यों ऑल इंडिया रेडियो की तरह चिल्लाती रहती है, बेकार में भेजे की बैटरी खराब करती है। अरे भेजे की बैटरी तो खराब की भैया की उन दोस्तों ने, पता नहीं कब पीछे छूटेगा मेरा उन मुस्टंडों से। तुझे उनसे पीछा छुड़ाना है ना, तो एक काम कर, उन्हें खाना मत दिया कर, और अगर वो खाना मांगने आए तो उन बदमाशों को डंडे से मार मार कर भगा दिया कर। फिर देख ला वो आएंगे ही नहीं। वाह बापू, पुलिस की नौकरी से रिटायर हो गए लेकिन अभी तक दया माया नाम की कोई चीज नहीं आई तुम्हें। क्यों, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं, बहुत धर्म कर्म वाली बात कही है आपने। रोटी नहीं दूंगी उनको तो भूखे नहीं मर जाएंगे वो। ये भैया की ना मुझे यही बात बहुत बुरी लगती है, आज उनका जन्मदिन है और वो अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएगा, उसको मालूम है हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा आओ। बाबू मेरी तरक्की हो गई, मैं इसी भी बन गया और मेरा तबादला भी शहर में हो गया। क्या क्या हो भैया, कमाल हो गया। सरकार को कैसे पता चला कि आज आपका बर्थडे है, जो उसने प्रमोशन का तोहफा दे डाला? बेटे आज मैं अपने आप को दुनिया का सबसे मालदार आदमी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम उन बुलंदियों को छूने जा रहे हो जिन्हें छूने के लिए पहाड़ों के हाथ भी छोटे पड़ जाते हैं। आपका आशीर्वाद है। बताइए क्या है मेरे हाथ में? चंदा का ग्रीटिंग कार्ड है। क्या भैया, मेरा सारा सस्पेंस ही खोल के रख दिया आपने तो। तुम लोग लड़ो भाई, मैं तो चला। बता कार्ड। अब क्या फायदा बताकर? अच्छा चलिए अब खाना खा लीजिए। अरे मेरे दोस्तों को तो आ जाने दे। ये लीजिए, आ गई आपकी पलटन आपके जन्मदिन की मिठाइयां लेकर। थैंक यू। ये मिठाई का डब्बा कहाँ से लेकर आए? इतने ईमानदार
तो है नहीं, ये खरीद कर लाए होंगे, जरूर कहीं डाका ही डाला होगा। ए, तू खामखा इन लोगों को बदनाम कर रही है, इन्होंने कोई डाका वाका नहीं डाला। डाका नहीं डाला होगा तो फिर चोरी की होगी। क्यों रे, तुम लोगों ने चोरी की है क्या? कहाँ से चुरा कर लाए ये मिठाई? साहब मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, तबाही मेरे सर पर छाई है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरी दुकान से मिठाई चुराई है। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को चोरी करते हुए? चुप! अरे सूरज भैया, जब इंसानों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तो ये बेचारे तो जानवर हैं, जानवर। नहीं 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 भाई, गलत काम गलत ही होता है, इन लोगों को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। ए, चलो माफी मांगो। सूरज भैया माफ कर दिया, माफ कर दिया। कितने पैसे की मिठाई है जी? 5 किलो के 660 रुपए होते हैं। ये लो और फकीर चंद को पेमेंट कर दो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। एक बात याद रखना बेटा, सूरज का कर्म है चलना और धर्म है अंधेरों को दूर करना। अरे बापू देखना, भैया एसीपी बनकर जा रहे हैं और कमिश्नर बनकर लौटेंगे, और मैं तो पढ़ लिखकर कलेक्टर बनूंगी। आपको आपकी बहादुरी का सिर्फ एक मेडल मिला है ना, मेरे भैया के सीने पे तो ढेरों मेडल लगेंगे। भैया आपकी वो पलटन ही दिखाई दे रही है। मैं बताती हूँ चंदा बेटी, तुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है ना, वही लेने गए हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं मालूम था तुम लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है। ए, बापू का ख्याल रखना, खेतों की देखभाल करना और किसी से झगड़ा नहीं करना, मील बांट कर खाना। मैं जब खत लिखूंगा ना, तुम लोगों का भी हालचाल पूछता रहूंगा। अच्छा दोस्तों, चलता हूं। चलो बेटा, देर हो रही है, आ बेटे। अच्छा पिताजी, नमस्ते। अच्छा अच्छा सूरज, गाड़ी रखो, छुटकी में अभी जाता रहा है। पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पर होता है, मैं अभी जाता रहा।
है बे तू। अंधे मुझे आंखें, गुंगे मुझे जबान और बच्चे मुझे ताली कहते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं गाली हूं, गाली। तो फिर अपना नाम और पता भी बता दे, ताकि मरने के बाद तेरी लाश तेरे घर भेज दूं। टाइम कम है, इसलिए इंट्रोडक्शन बाद में होगा, पहले एक्शन। फाइनल कर दे साले को। आज के बाद कोई टैक्स नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तूने हमारी जान बचाई। ये बाबू बांगड़ा बड़ा खतरनाक आदमी है। कौन है ये बाबू बांगड़ा? एक गुंडा जिसके नाम पर लोग टैक्स वसूल करते हैं। हाँ साहब, और कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके सर पर शहर के सबसे बड़े बदमाश धनपत जक्काल का हाथ है। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। जाकर बाबू बंगला से कह देना कि आज के बाद उसे कोई टैक्स नहीं मिलेगा। साले केकड़े के नाजा जाला दो, बाबू बांगड़ा के आदमी होकर लादा खाकर वापस आ गए और अब मेरे को रेडियो प्रोग्राम सुना रहा है। और तू बाबू बांगड़ा का भतीजा होकर मार खाकर वापस आया। तू जग्गू मच्छी नहीं, मेंढक है मेंढक। लेकिन बाबू चाचा वो एक कहावत है, अपना हाथी फौज को बारी। तुम लोग भी वही थे। अगर दनपत जैकाल को ये बात पता चलेगी कि बाबू बंगड़ा के छोकरे लोग मार खाकर वापस आ गए, तो गला फाड़ फाड़ कर हंसने की लाफ्टर देगा, पुंगी बजाएगा पुंगी। जाओ पता लगाओ कि वो आदमी कौन था, मैं तो उसका जिंगा फ्राई करूंगा। ये लीजिए गरम गरम पराठा खाइए, मैं और बनाकर लाती हूँ। वेलकम माय न्यू फ्रेंड। ये ले जल्दी से खा ले, अगर मेरी बहन ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो चिमटे से मारेगी। जा भैया, चाय और चाहिए क्या? जा जा। ये लीजिए भैया, आराम से खाओ ना, पेट भी आपका है, पराठा भी आपका है। देखो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खाने से ना, ये क्या, क्या? वो, 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 ये उंगलियों की एक्सरसाइज है, ये ऐसा करने से टीका ठीक से दबता है। तभी मैं सोचूं अचानक आपके खाने की स्पीड कैसे बढ़ गई। देखो मैं साफ साफ कह देती हूँ, आप अगर आपने इन लोगों से दोस्ती की ना तो मैं चली जाऊंगी अपने गाँव वापस, फिर है ना अकेले इन लोगों के साथ। कुछ जल रहा है ना? जल रहा है? मेरा पराठा, मेरा पराठा। अरे भाई जा यहाँ से, अब अगर आके देखेगी ना
तो जरूर पीट डालेगी। कल इसी वक्त आ जाना, गरम गरम पराठे खिलाऊंगा। मेरे लाख मना करने पर भी आपने उसको इनवाइट कर लिया ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं ऐसी बात कैसे नहीं है? कल से ये टेबल किचन में लगेगी, वहीं आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, समझे? समझ गया। चलिए अब तैयार हो जाइए, हमें कमिश्नर अंकल के यहाँ जाना है। अरे आओ सूरज, आओ, वेलकम टू द सिटी। थैंक यू सर। नमस्ते कमिश्नर अंकल। नमस्ते बेटा, ये चंदा है ना? जी हाँ सर। अरे कमाल हो गया, कितनी बड़ी हो गई, आप तो कॉलेज जाती होगी। जी ये जूनियर कॉलेज में टॉप किया है, सोच रहा हूँ किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दूँ। वेरी गुड, बैठो बैठो। सूरज वो तुम्हारे पिता हमारे दोस्त शेर सिंह का क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि फसल कटते ही आपसे मिलने आएंगे। बड़ा दिलेर आदमी है शेर सिंह। वो तो है ही, पर भैया उनसे ज्यादा दिलेर है। बता अंकल, शहर में आते ही गुंडों की पिटाई कर दी भैया ने। अच्छा सर, ये धन पर जक्कल क्या बला है? क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है, मैंने जिन गुंडों की पिटाई की वो कह रहे थे कि वो जक्काल के आदमी है। ओह, इसीलिए मैं जक्काल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। धनपत जक्काल इस शहर की क्राइम सर्कस का रिंग मास्टर है। अपराध उसका पालतू शेर है और राजनीति उसके सर्कस के जोकर है। तो पुलिस क्या कर रही है? दर्शक बनी है, मजबूरी है उसकी। ये बात इस शहर का पुलिस कमिश्नर कह रहा है? नहीं सूरज, ये यहां का गला सड़ा सिस्टम कह रहा है। जकाल की पहुंच यहां से दिल्ली तक है। मैं तो कहता हूं जब तक राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश नहीं लगेगा, इस देश की तस्वीर और बदसूरत होती जाएगी। आओ बाबू, आओ। हेलो एसीपी सूरज, मैंने सोचा आपको उन लोगों से मिला दूं जिनकी वजह से पुलिस थाना नोट छापने की मशीन कहलाता है। ये है बाबू बांगड़ा। हाँ हाँ बाबू बांगड़ा, तुम्हारी फाइल देख रहा था, काले कारनामों की लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी है। फुकट में फाइल देख रहे हो एसीपी, बंद घड़ी में टाइम देखने से टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं मिलता। पन तेरे को जो मांगता है वो हम देगा, क्योंकि जितना बड़ा जूता होता है उस पर उतना ही ज्यादा पॉलिश लगता है। देख, मैं इसको 30,000 की जिलेबी खिलाता हूँ और तेरे को 50,000 का हलवा खिलाता हूँ। बोल कैसा है मेरा स्टाइल? शुक्र कर मैं अपने स्टाइल से मजबूर हूँ। ये मेरा ईमान है कि मैं हर पुलिस थाने को एक दवाखाना समझता हूँ, जहां जुर्म नाम की बीमारी का इलाज होता है। इसलिए मैं हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका जरूर देता हूं। मौका देखता है, उठा अपनी गंदगी और जुर्म करना छोड़ दे, वरना तुझे ऐसे उछलने पर मजबूर कर दूंगा जैसे जलते हुए तवे पर बैठने के बाद बंदर उछलता है। चलता हूं, कानून कभी क्राइम से हाथ नहीं मिलाता। गुड बाय। गुड बाय। अरे सूरत में लातुर कर, मैं लोगों के लिए यमराज हूं, तुम मेरे लिए यमदूत क्यों बने हो यार? डॉक्टर पी के ही हा हू, गुड मॉर्निंग। देखो आज मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो। तुम लोग पूरी तरह ठीक हो? हम कैसे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर हम दोनों तो बीमार हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, सॉरी। जब से मैं लातूर से आया हूँ भयानक भूकंप के झटके साथ लाया हूँ। खाता हूँ झटके, पीता हूँ झटके, उठता हूँ तो झटके, सोता हूँ तो झटके, यहाँ तक कि मैं सपने भी झटके वाले देखता हूँ। ये झटका किंग है। अब बताइए डॉक्टर, कितने टनों के झटके खाने वाला मरीज इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? क्या इस बेचारे की जिंदगी को
भूकंप के झटकों ने बर्बाद कर दिया। और इधर देखो, मेरे को प्लेग के चूहे ने कुतर डाला। घर में चूहे, सड़क पर चूहे, पानी में चूहे, आग में चूहे, हवा में चूहे, और भांत भांत के चूहे, डॉक्टर साहब अलग अलग मुल्क के चूहे, इंडियन चूहे, अमेरिकन चूहे, निग्रो चूहे, रशियन चूहे, चारों और चूहे और चूही। क्या कहा? चूही, चूहे नहीं, चूही तेरी माँ। बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब? ना घर है ना घर वाली। हम तो सोच रहे थे कि जिंदगी भर यही रहेंगे और सरकार का खाना खाते रहेंगे। ये अस्पताल है, अनाथ आश्रम नहीं। वार्ड बॉय। जी साहब। तो आ गए। इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अरे हमको कचरे का डब्बा है जो बाहर फेंक दे। अरे हम शानदार इज्जतदार खानदान के चश्मे चिराग है, और अगर किसी ने इसके चिराग को बुझाने की कोशिश की। अरे मैं खुजली कर रहा था, तू डर गया ना। इन्हें बाहर ले जाओ। छोड़ना यार। अरे साहब, एक बच्चा ये चिट्ठी देकर गया है। क्यों बीड़ू, तू क्या समझता था तेरा इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या मेरे से पीछा छूट जाएगा? अरे मैं भी आटे की चक्की यानी इरादे की पक्की हूँ। जेल से निकलते ही अपन इधर आ गई, अब तेरा अकेलापन दूर कर दूंगी, तुझे आई लव यू बोलने पर मजबूर कर दूंगी, तेरी कैंची। अरे बाप रे, ये इधर भी आ गई। Dentro
अरे भाइयों, अरे जल्दी अरे देखो मेरा गबरू जवान आ गया। जो दिखता है बंगाली लेकिन इसकी हर अदा है मतवाली। इसके प्यार में कभी नहीं होता है घाटा, क्योंकि उसके बाजू में छुपा है मर्द मराठा। वो है मोहब्बत का उमड़ता सैलाब, जिसके होठों से गीत गाता है पंजाब, तमिलनाडु हो या हो कर्नाटका। अरे ओ, जो हमेशा देता है इसके दिल को हर जगह झटका। अब मैं लगाता हूँ इसको एक फटका। ये एक नंबर की चुट्टी है, इसकी बातों में मत आइए। आपने अपनी जेबें देखी है? अरे मेरा पर्स, मेरी घड़ी, मेरी चेन, मेरा बटुआ। ए, सबका माल वापस कर। मेरी चेन, ये ले, मेरा बटुआ, मेरा मेरा पर्स, ये ले। अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ठहरो 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 भाई साहब, अगर आप लोग चले गए तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? मैंने आप लोगों की पॉकेट मारी है, लेकिन ना तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और ना ही कोई सजा दिलाएगा, बल्कि मेरा एक प्यार भरा चुम्मा लेकर मुझे छोड़ देगा। हाँ भाइयों, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसका शहर में ट्रांसफर हो गया, मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई। ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, तो फिर आज कानून के साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे भाई, जब मैंने जुर्म किया है तो इसके बाद भी मुझे ये आजाद कैसे छोड़ सकता है? ए मिस्टर, प्यार करने के लिए वर्दी पहनी है? ये पॉकेट मार को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम कमिश्नर साहब से तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। अब ठीक है ठीक है, मैं इसे गिरफ्तार करता हूँ। ए चल। हाँ चलती हूँ चलती हूँ। अच्छा भाइयों, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं जाती हूँ। हाँ, आप लोग भी जाओ, आप लोग भी जाओ। अब मैं पुलिस स्टेशन में जाकर शादी रचाऊंगी और लॉकअप में सुहागरात मना कर ही आऊंगी। बाय बाय। चल भाग जाओ यहाँ से। क्यों भाग जाओ? ये सारा ड्रामा मैंने यहाँ से भागने के लिए थोड़ी, तेरे दिल के लॉकअप में बंद होने के लिए किया। बाहर निकालो इसको। हवलदार, मुझे अंदर कर दो। देख कैंची, तू सुधर जा। अच्छा ठीक, तू सिर्फ एक बार मेरे को आई लव यू बोल दे, फिर देख मैं सुई की तरह सीधी हो जाऊंगी और तेरे होने वाले बच्चों के जिंदगी भर कपड़े सीधी रहूंगी। ऐसे ऐसे ऐसे। Shut up and get out. मैं आउट होने नहीं, इन होने आई हूँ। अब मैं तेरे सामने वाले लॉकअप में बंद होकर मैं तुझ पे लाइन मारूंगी। युवा नेता जैकी जक्काल को छात्र संघ का नया नेता चुना गया। मंत्री प्रजापति ने उनका स्वागत किया। हवलदार जी साहब, ये जैकी जक्काल कौन है? साहब, इस शहर के सबसे बड़े हरामी धनपत जक्काल का छोटा भाई है। हाँ बेडू, 1760 हरामी मरे होंगे, तब ये एक जैकी पैदा हुआ। मैंने सुना है उसकी हर सुबह शुरू होती है शराब से और रात खत्म होती है किसी लड़की की जवानी लूटकर। छोड़ना होता तो पकड़ता ही क्यों? जी है, टीपी है। मैं तुम्हारा बयान लेने आया हूं, सिर्फ इतना बता दो कि वो दरिंदा कौन था। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस दरिंदे को मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा।
सिर्फ इतना बता दो कि कौन था वो। जाकी चकाल। ये सब कैसे हुआ? यूं ही मैं रास्ते से जा रही थी कि अचानक उसने। नहीं कविता, तुम गवाही नहीं दोगी। आप? मैं कविता की भाभी हूँ। इस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इसे चुप रहने को कह रही हैं? तो क्या करूँ, भोपू लेकर चिल्लाऊं? मेरी ननद की इज्जत टूट गई है, अखबार की सुर्खियों में छपाऊं इसकी कहानी? क्या करोगे तुम और तुम्हारी पुलिस? शहर में तो रोज बलात्कार होते हैं, कितनों को सजा दिला पाते हो तुम लोग? सवाल यह नहीं कि कितनों को सजा दे पाते हैं, सवाल यह है कि कितने हैं जो निडर होकर बयान दे पाते हैं। तो आपने फैसला कर लिया है कि आप इसे बयान नहीं देने देंगे? लगता है तुम्हारी कोई बहन नहीं है। अरे यहाँ कुंवारी लड़कियों से कोई विवाह नहीं करता तो इस कलंकी लड़की को कौन अपनाएगा? साहब, गरीब की लड़की और कसाई की बकरी कटने के लिए पैदा होती है साहब, मुझ विधवा पर तरस खाइए। आपको पता नहीं हम किन किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, मुझे क्षमा करो साहब, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो साहब। रामप्रसाद जी साहब, तो कैची को खाना खिला दिया ना? वो तो चली गई साहब। चली गई? हाँ साहब। इतनी जल्दी उसने अंदर रहने का शौक पूरा कर लिया? साहब कह रही थी तुम्हारे साहब तो इधर उधर भागते रहते हैं, खाली कुर्सी को कब तक देखती रहूंगी। चलो अच्छा हुआ, बला खुद ही टल गई। हेलो डोंगरी पुलिस स्टेशन। अगर धनपत जकाल के बारे में जानना चाहते हो तो फौरन मंकी पॉइंट पर आ जाओ। हमारा मतलब है सिविल ड्रेस में आना, हम कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। ठीक है, मैं आ रहा हूं। Thank you.
इश्क में पागल मत कर ये नादानी, छोड़ दे पीछा प्यार को सारी उम्र बची है रानी। तुझे जाने की पड़ी है क्यों जल्दी, मैं तेनू नहीं हो छड़ना, तेनू लागे है बड़ी सर्दी, मैं तेनू नहीं हो छड़ना। रुक जाइए। जो होना था सो हो गया बाबूजी। आपको पता नहीं वो लोग कितने खतरनाक है बाबूजी। हाँ पिताजी, भाभी ठीक कह रही हैं। नहीं बेटी नहीं, एक पत्रकार हूँ मैं, जिसका काम है अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करना। मेरा कसूर इतना ही था ना कि मैंने जक्काल के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा और उसकी उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया गया और मेरे बेटे को कत्ल करके तुम्हें विदा कर दिया। इतना ही नहीं, उससे भी उन जालिमों को चैन नहीं मिला तो उसके भाई जैकी ने मेरी कविता की इज्जत लूट ली। बर्दाश्त के लिए हद होती है बहू। आज मैं इंस्पेक्टर सूरज को उनके जुल्मों की सारी सच्चाई सुना कर रहूंगा। बाबूजी रुक जाइए, मैं कहती हूँ रुक जाइए बाबूजी। क्यों पुलिस स्टेशन जा रहा है? हाँ, मैं आज तुम लोगों को सारे शहर के सामने नंगा कर दूंगा। अच्छा, तुम लोगों के पास हथियार कहाँ कहाँ से आते हैं और तुम लोग उन्हें किन किन को सप्लाई करते हो मैं सब जानता हूँ। यही नहीं, मैं पुलिस को यह भी बता दूंगा कि ड्रग्स और हथियारों के बदले में किन किन देशों को लड़कियां भेजी जाती हैं। तेरे पास इसका क्या सबूत है? सबूत? सबूत है ये डायरी जो जक्काल और तुम लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। मर्डर मैंने तुम लोगों के आंखों के सामने किया। अगर किसी के पावर में ताकत है तो मेरे खिलाफ गवाही देने चले जाना। अब तो जागो भाभी, अब तो जागो। अरे कीड़ा भी कुचले जाने पर मरने से पहले काट लेता है, क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से यहां बैल लेने नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जक्काल के आतंक ने तुम्हारी आत्मा तुम्हारा समीर दोनों को कैद कर लिया है और तुम लोग उस कैद से आजाद नहीं होना चाहते हो और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों को आजाद कराने का। मैं तो सिर्फ यहां खाना पूरी करने आया हूं। आप लोगों ने चुपचाप जो हादसा देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हवलदार, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब, बिना किसी का बयान लिए? बयान की कोई जरूरत नहीं है, फाइल में लिख दो कि कुछ बदमाशों ने इस अनजान आदमी को मार डाला। काफी खोजबीन के बाद इसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला। लाश लावारिस है। नहीं, ये लाश लावारिस नहीं है, ये मेरे ससुर की लाश है। मैं गवाही दूंगी। मिलोर्ड, वैसे तो मेरे क्लाइंट बाबू बांगड़ा को जमानत के दिन ही अदालत में गैर हाजिर रहने की इजाजत मिल गई थी, मगर मुकदमे की नजाकत को देखते हुए मैं अपने क्लाइंट बाबू बांगड़ा को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? आ,
मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एसीपी घाक को मैं बतौर गवाह पेश करना चाहता हूं। पेश किया जाए। मिस्टर घाक, 20 मार्च की सुबह कौन सा हादसा हुआ था? 20 मार्च की सुबह मेरे इलाके में एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसमें मिस्टर बांगड़ा बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। मैंने एफआईआर दर्ज करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने 12 बजे उनको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश कब आया? तकरीबन 4 बजे। थैंक यू मिस्टर घाक, अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, ये रही एफआईआर की जेरॉक्स कॉपी, एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि एक्सीडेंट में बाबू बांगड़ा का बायां पैर और दाहिना हाथ टूट चुका है। ये कैसे मुमकिन है मिलॉर्ड? जिस बाबू बांगड़ा का 12 बजे ऑपरेशन होता है वही बाबू बांगड़ा उसी दिन ठीक 12 बजे पत्रकार विजय बाटोडिया का मर्डर भी करता है। दिस इज इम्पॉसिबल मिलॉर्ड। इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है, लिहाजा मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। नहीं जज साहब, ये झूठ है। बाबू बांगड़ा ने हमारी आंखों के सामने हमारे बाबूजी का खून किया है। जज साहब, इसे मत छोड़िए, इसे सजा जरूर दीजिए। जज साहब, इसे सजा जरूर दीजिए, इसे सजा जरूर दीजिए। मिस्टर सूरज, आपको इस बारे में कुछ कहना है? नहीं मिलॉर्ड, मुझे कुछ नहीं कहना है। तमाम कार्यवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबू बांगड़ा विजय बाटोटिया का कातिल हो सकता है। चूंकि गवाही मकतूल की बहू और बेटी ने दी है, मगर अदालत एसीपी घाग और डॉक्टर की गवाही को भी झूठा करार नहीं दे सकती, क्योंकि एक समाज की और दूसरा इंसानियत की खिदमत करता है। इसीलिए यह अदालत शक का फायदा देते हुए मुलजिम बाबू बांगड़ा को बरी करती है। मैं हॉस्पिटल में इसीलिए गवाही नहीं देना चाहती थी। मुझे पता था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एसीपी साहब, देखा, जो भी बाबू बांगड़ा के काम में टांगड़ा डालता है अपन उसको लंगड़ा कर देता है। ए चलो। इस वक्त रात के 9 ही तो बजे हैं, सोचा चलकर तेरा हालचाल पूछ लो। लेकिन तू तो अच्छा खासा वन पीस नजर आ रहा है। अपन बाबू बांगड़ा इस शहर का अकेला पीस है जो कानून को अपने जेब के पॉकेट में रखता है। देखा ना आज कोर्ट में क्या हुआ। मान गया बाबू, तू कानून का सबसे बड़ा पंडित है। लेकिन ये कानून तोड़ने वालों के लिए मैंने एक कानून बनाया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे दाएं हाथ और बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई है। मैं डॉक्टर की उस छूटी रिपोर्ट को सच साबित करने आया हूं। जाके अपने बाप जक्काल से कह देना आज से वो होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग भाई साहब।
गुड मॉर्निंग जैकी। भाई साहब दिल्ली से नेताजी का फोन आया था। उनको अपनी पार्टी के इलेक्शन के लिए 1 करोड़ रुपया चंदा में चाहिए। भेज दो। एमएलए प्रजापति से मेरी बात हो गई है। वो स्कूल और प्लेग्राउंड वाली करोड़ों की जगह अब हमारी हो गई है। हाँ और भाई साहब वो पेट्रोल पंप के लाइसेंस और फ्लाईओवर का ठेका भी हमारे आदमी को मिल गया है। ये तो होना ही था। भाई साहब इस शहर की बिल्डर लॉबी ने आपके ऐश और आराम के लिए ऊटी में एक शानदार कॉटेज बनाया है और ये एक छोटा सा तोहफा 1 करोड़ रुपए का आपकी नजर। ये तो होना ही था। भाई साहब वी हैव सम गुड न्यूज फ्रॉम दिस पीपल। चकल साहब चरस और ब्राउन शुगर के हमारे धंधे में हमें 1.5 करोड़ का फायदा हुआ है। ये तो होना ही था। रेड लाइट एरिया से इस बार हमें 50 लाख का कमीशन मिला है चकल साहब। ये तो होना ही था। मगर बाबू के साथ जो हुआ है ये नहीं होना था। जब हवा ऑपोजिट के खिलाफ चलती है तो ऐसी गलती होती है। एसीपी सूरज जरूर लोमड़ी का झूठा पानी पिया होगा। साला बहुत शाना है। मैं जब उसका झींगा फ्राई करूंगा। चक्कल साहब उसने शहर में आते ही सबसे पहले मुझे तोड़ा और लोगों को बांगड़ा टैक्स देने से मना किया। मैं और बाबू उसे खरीदने के लिए नोटों का बंडल लेके गए थे। मगर उसने वो नोटों के बंडल तुम्हारे मुंह पर मार दिए। ये शहर जहां के लोग जब भी अपने दिल की धड़कन सुनते हैं उन्हें धनपत जक्काल का नाम सुनाई देता है। जहां हमारे खौफ और दहशत की हुकूमत है वहां के सरकारी नमक में इतनी ताकत कहां से आ गई। एक इशारा भाई साहब आपका एक इशारा उस एसीपी को मौत के मुंह में डाल सकता है। यू जस्ट से इट। नहीं हम उसे इस्तेमाल करेंगे एक नए जूते की तरह जो शुरू शुरू में तो काटता है मगर जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो पैरों को आराम देता है। एसीपी सूरज एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है और बहादुरों को गुलाम बनाना हमारा पुराना शौक है। नहीं जाकाल वो साला बहुत कड़क है। उसको खरीदना लोहे का चना चपाना जैसा है। हम उस सरकारी चने को पीसने के लिए राजनीति की चक्की चलाएंगे। प्रजापति को फोन लगाओ। 25 से 25 मिलाएंगे तो 60 की गिनती पाएंगे। हर भैया रा। कानी गोड़ी हम प्रजापति बोल रहे हैं। कौन है सर? प्रजापति ऑन द लाइन सर। प्रजापति। अरे बाप जक्काल साहब पाए लागू। अरे आश्चर्य। नोटों से खेल रहा है क्या? देखिए हम आपकी कमीशन लेकर अभी आता हूँ ना। कमीशन नहीं पहले तुम कमिश्नर के पास जाओ प्रजापति और उसे समझाओ कि एसीपी सूरज के मुंह में लगाम डाले क्योंकि हमें आवारा कुत्ते और बेलगाम घोड़ों से सख्त नफरत है। अरे जक्काल साहब आप तो जानते हैं कि हम बेसिकली बहुत कमीने आदमी हैं। कबूतर के अंडे चुराकर उसके नीचे मुर्गी के अंडे रख देते हैं। बेचारा कबूतर कंफ्यूज हो जाता है परेशान हो जाता है कि उसके अंडों के बीच में से मुर्गी के बच्चे कैसे निकल आए। वैसे ही परेशान पुलिस कमिश्नर को भी होना पड़ेगा। कमिश्नर को कम और सूरज को ज्यादा परेशान होना चाहिए समझे? आपने मुझे बुलाया सर? नेता प्रजापति ने तुम्हारे बारे में शिकायत की है कि कल रात तुमने इनके घर जाकर इनके साथ मारपीट की जिसकी वजह से इनके हाथ पर की हड्डियां टूट गई हैं। क्या ये बात सच है? नहीं सर ये सरासर झूठ है। इसका यह हाल 20 मार्च को एसीपी घाक के इलाके में एक्सीडेंट से हुआ था। एसीपी ने एफआईआर दर्ज करवा के इसे हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक 12 बजे हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका बायां पैर और दाहिना हाथ एक्सीडेंट की वजह से टूटा है। और कल अदालत में बाबू के वकील ने यही साबित किया था। लेकिन सर मैं कसम खाकर बोलता हूं इसी ने कल रात मेरे से मारपीट की। कल कितने बजे? रात को ठीक 9 बजे। देखा सर झूठ पकड़ा गया ना। आपको शायद याद होगा कि कल रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं आप ही के पास था।
अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही आदमी 9 बजे आपके पास था और ठीक 9 बजे वही आदमी इसकी पिटाई करता है? आप ही बताइए सर। यू आर राइट मिस्टर बांगड़ा, प्रजापति से तो मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल तुम्हें एक वार्निंग जरूर देना चाहता हूं। अगर आइंदा हमारे ऑफिसर पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हें तो सुरेश से माफी मांगनी होगी। ठीक है सर, मेरे टाइम का वक्त खराब है इसीलिए जा रहा हूं और इसे माफी मांगकर सॉरी बोलता हूं। अरे मिल गया मिल गया, हमें रोटी खिलाने वाला मिल गया। कौन? देख उस छलिया को, कितना हैंडसम है यार। हम उसको हीरो बनाने की टोपी पहनाते हैं। मगर कैसे? अरे यार, जब हम सूखी रोटी से घी निचोड़ लेते हैं, आम के पेड़ से इमली तोड़ लेते हैं, तो इस छलिया को हीरो बनाने में क्या फर्क पड़ता है? चल। Wow, what a sexy man! What a personality, Michael Jackson! Wow, क्या कमर है, क्या टांगे हैं, क्या अदा है? एक मिनट, आप दोनों की तारीफ। हम दोनों मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। मैं बिंदास, ये मुस्कान। हम 10 करोड़ की फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको हीरो लेना चाहते हैं। फिल्म का टाइटल है दो बेचारे भूख के मारे। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हम दोनों को 50-50 रुपया देना पड़ेगा। जल्दी निकालो जल्दी। और अगर नहीं दिया तो? हम जबरदस्ती करेंगे, हम गुंडे बदमाश भी हैं। हमने पराठे खा के कराटे भी सीखे हुए हैं। बहुत डर गया मैं, बहुत डर गया। चलो जल्दी निकालो। फिर क्या है कि अगर पब्लिक में दूंगा तो आप दोनों को लोग भिखारी समझेंगे। गाड़ी के पीछे आइए, इज्जत से दूंगा। वाह, देखा हमारी कितनी इज्जत करता है। फॉलो हिम, फॉलो मी, आइए। कम ऑन। देखिए भाई साहब, आपने इतनी बेरहमी से हमें कितना मारा, अब तो हम दोनों को 50-50 रुपए दे दीजिए। अरे यार, फिल्म के विलन फिल्मों में मार खाने के लाखों रुपया लेते हैं, आप हमें 50 रुपया भी नहीं दे सकते? मुफ्त में सरकार की रोटियां तोड़ने वाले, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सूरतमल लातुरकर, इसे कैसे मालूम? कैसे? ये सब हमें डॉक्टर पी के ही हाहू ने बताया है। कहाँ चले गए? अरे अरे, इसे अंदर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आप देख नहीं रहे हो क्या, बिचारी पेट से बच्चा होने वाला है, तो इसे दवा खाने ले जाओ ना। अरे भैया, मेरा डॉक्टर दवा खाने में नहीं, यही पुलिस थाने में है। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। अरे जल्दी से जाकर एसीपी सूरज को बुलाओ। ये सब क्या है, क्या हुआ इसे? हुआ नहीं जी, होने वाला है। सूरज, कल रात को तुम मेरे सपने में आए थे और आकर तुमने मुझे प्यार किया, शादी भी की, फिर सुहागरात भी मनाई, और सुबह मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यार सूरज, तेरा प्यार है या कोरियर सर्विस जो 24 घंटे में लव लेटर की डिलीवरी दे देता है? बकवास बंद। मैं बकवास नहीं कर रही, देखो देखो, सुनो सुनो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में से तुम्हें आवाज दे रहा है, कह रहा है पापा पापा मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। अच्छा हाँ। इस नाटक मंडली को बाहर करो, चलो। एक मिनट, इस नाटक मंडली का आखिरी सीन तो देख लो। बाबू बांगड़ा को मारने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। हेलो, एसीपी स्पीकिंग। होटल हंगामा जक्काल की संपत्ति है, मगर मालिक का नाम है बिल्लू चिकना। उस होटल के तहखाने में जक्काल का सारा नाजायज कारोबार होता है। आप कौन बोल रहे हैं? क्या बात है पीरू, किस सोच में पड़ गए? कैची, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, पर मेरी मदद की कीमत है सिर्फ 3 बोल आई लव यू। बस इतना बोल दे, फिर देख मैं कैसा हंगामा करती हूँ। पहले तो हंगामा करके तो दिखा। Hangama, 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 hangama.
हंगामा है तेरी जवानी रूप है तेरा जादू हंगामा है तेरी जवानी रूप है तेरा जादू देख के तेरे हुस्न का दरिया खुद पे रहा ना काबू देखी देखी नजरों से खान, वेरी गुड। कीमत बोलो। पूरे 30 लाख और वो भी कैश। मिलेगी, पूरी कीमत मिलेगी। 10 लाख। कोई हिलने की कोशिश मत करना। तू हाथ आया है, अब जक्काल भी हाथ आ जाएगा।
कर के होटल का मालिक तू नहीं जक्काल है, और वहाँ जो माल पकड़ा गया है वो भी जक्काल का है। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि हंगामा बार का मालिक मैं हूँ, मैं, और उसने पकड़ा हुआ सारा माल मेरा है, मेरा। तू ऐसे नहीं मानेगा? ये फोन मेरे लिए है। बोल जक्काल, मुझे तेरे ही फोन का इंतजार था। आखिर तू चाहता क्या है एसीपी? मैं जो चाहता हूं वो तू मुझे दे नहीं सकता। आकर देख, अगर हम कैरम भी खेलते हैं ना तो वो भी चांदी का होता है, जिस पर सोने की गोटियां हीरे के स्ट्राइकर से टकराती रहती हैं। अगर हमारे घर की धूल भी तुझे मिल जाए ना तो भी तू करोड़पति बन जाएगा। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल। जो मुझे चाहिए मैं फोन पर नहीं कह सकता, उसके लिए मुझे तेरे पास आना होगा। तो फिर देर किस बात की, आ जा, इतना दूंगा कि जिंदगी भर नहीं कमा सकता। ठीक है, मैं आ रहा हूं। वेलकम एसीपी सूरज, वेलकम। जक्काल के इस महानगर में कानून को अपराध के साथ हाथ मिलाकर जिंदा रहना पड़ता है। तुमने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया है सूरज। हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का हक है, और सोचना भी चाहिए। बैठो बैठो बैठो, लाओ। यह रही उस कार की चाबी जो शहर के बहुत कम रईसों के पास है। और ये चाबी उस फ्लैट की है जिसे खरीदने के लिए लखपति नहीं करोड़पति होना जरूरी है। और ये 20 लाख कैश, ये सब एक सरकारी आदमी के लिए एक सपना है। सारी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी रिटायरमेंट पे इतने सारे पैसे नहीं मिल सकते। यूं समझो कि तुम्हारे ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सब कुछ तुम्हें एडवांस में मिल गया। बोलो, और कुछ चाहिए? दे सकोगे? दे सकोगे, समझो दे दिया। नहीं जक्काल, अगर दिया होता तो ये खाली नहीं होती। ऑफिसर, मैं ये चाहता हूं कि तू अपने सारे जुर्म कबूल करके इसे पहन ले। और ये काम फोन पर नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। जहां तक आए हो ना, उससे आगे मत आना। याद रखना, तूफान से टकरा कर जहाज भी सलामत नहीं रहते। लेकिन तूफान से डर कर जहाज भी जमीन पर नहीं चला करते जक्का। इस बार तो दिखाने आया, अगली बार पहनाने आऊंगा। तब सारे सबूत मेरे हाथ में होंगे, और तेरे हाथ इसमें, समझा? देखा जी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, काम की बात कर। काम की बात ये है, तूने कहा था हंगामा बार में हंगामा करेगी तो उसकी कीमत दूंगा, आई लव यू बोलूंगा। चल जल्दी से आई लव यू। अरे वो तो मैंने मजाक किया था। चल मजाक में ही आई लव यू बोल दे, तेरे लिए मजाक हो जाएगा और अपन की जिंदगी बन जाएगी। देख कैंची, साफ साफ बात सुन ले, मेरा पीछा छोड़ दे और किसी अच्छे लड़के का हाथ पकड़ कर घर बसा ले। मेरे चक्कर में रहेगी तो जिंदगी भर पछताएगी। साला भाव खाता है। अरे मिथुन चक्रवर्ती से शक्ल क्या मिलती है, अपने आप को मिथुन चक्रवर्ती समझने लग गया। अरे फिल्मों में जाएगा तो कोई उसके डुप्लीकेट का रोल भी नहीं देगा। ये जो बॉय इधर लेटा है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बेचारी लावारिस लाश है, इसलिए इसके दफन और कफन के लिए जेब में हाथ डाली और पैसा निकाली। 10 के डब्बे में 10 का नोट, 20 के डब्बे में 20 का नोट, 50 के डब्बे में 50 का नोट, चेक के डब्बे में चेक। लेकिन छुट्टा देकर ना मेरा अपमान कीजिए, ना मरने वाले की आत्मा को दुख पहुंचाइए। जल्दी कीजिए, जेब में हाथ डालिए और पैसा निकालिए। अबे वो पैसा निकालना,
अबे तू मरने वाले के लिए चंदा जमा कर रहा है, आवाज लगा कर केले बेच रहा है? केले? अबे तेरे चेहरे से तो लगता नहीं कि तुझे कोई गम है। मांजर पाट रो के बोलना, नहीं तो कुत्ता भी नहीं मुतेगा। मुत दिया, इसने मुत दिया। ओ मेरे भाई, तू मेरे को इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। क्यों भाई, ये ठीक था? थोड़ा जास्ती हो गया। क्या हो रहा है? अरे मेरे पैंट में झुरल घुस गया। झुरल? झुरल ने कॉकरोच। ओह माय गॉड। देख भाई, हिलना मत, हिलना मत, सारी पब्लिक देख रही है। अरे वो कमर तक आ गया। अरे हिलना मत, अगर पब्लिक को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। अरे मेरे देर टांगों के बीच में आ गया। अरे नहीं नहीं, खुदली मत करना, खुदली मत करना, जल्दी मैं करता, मैं करता हूँ। हिलना मत, हिलना मत, डोंट मूव, डोंट मूव। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल वो है। ये मरा कैसे? इसको कॉकरोच जोनिया है। कॉकरोच जोनिया? ये निमोनिया का बड़ा भाई है। इस बीमारी के अंदर सारी बॉडी में कॉकरोच घुस जाते हैं, और अभी भी इसकी बॉडी में मेरे प्यारे दोस्तों एक कॉकरोच बाकी है। तो फिर जल्दी से निकालो उस कॉकरोच को। अरे बता कहाँ है? नीचे, नीचे। ये क्या, इतना बड़ा कॉकरोच? अरे वो कॉकरोच नहीं है। ओह क्या हुआ? सूरत पर लातूर का दो नाम के चीटर अपन के इलाके में बहुत चीटिंग कर रहे। हमने उनसे कहा कि हमारी कैची उस्तादनी का एरिया है, तो कहने लगे एरिया तो होता है कुत्ता बिल्लियों का, शेरों का नहीं, और हम लोग शेर है। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हमने उनको बहुत रोका और उन्होंने मैं बहुत ठोका। मुझे देवानंद से शत्रुघ्न सिन्हा बना दिया। अच्छा, ये 500 का नोट है, और जिस इंसान ने दिया है वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान है। अरे भगवान करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे इंसान को दानवीर कहते हैं। थारा बोलने को थई गयो? थई गयो। मन्ने मारो बासों को छुट्टो चाहिए। छुट्टो? मेरा नाम डॉक्टर कंचन है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैंडसम फेस सूरत माओ। इसका मतलब ये मुर्दा लातूर कर का है? इस आदमी ने तो मरने से पहले अपने सब बॉडी के पास डोनेट किए हैं, हैंड पीस, लेग पीस, सब पीस डोनेट किए। लेकिन वो डोनेट नहीं किया। वो क्या? कॉकरोच डोनेट नहीं किया। नहीं, लेवर, लेवर डोनेट नहीं किया। ये देखिए डोनेशन की पेपर है, चेक कर लीजिए। कैश नहीं। मेरे प्यारे सड़े बदबूदार दुश्मन, तुम दोनों का सत्यानाश। तुमने मेरे साथियों को मारा और पैसे भी छीन लिए। अबे सड़े हुए करेले, ये सारी कमाई मेरे हवाले कर दे, नहीं तो इस मुर्दे को जिंदा कर दूंगी और पब्लिक के इतने जूते खिलवाऊंगी कि तेरी और इस कॉकरोच की शक्ल फटे हुए जूते की तरह हो जाएगी। तेरी अम्मा कैंची। It's not possible, हो ही नहीं सकता। आज ही कैसे नहीं हो सकता, ये तो होकर रहेगा। सबसे पहले तो मैं इनकी आँखें चेक करूंगी। आँखें क्यों? वो क्या है, मैंने सुना है कि इनकी आँखों में सुअर का बाल है। क्यों बे लातूर कर? एरिया कुत्ते बिल्लियों का होता है, हाँ? शेरों का नहीं? नहीं कैची जी, आप तो शेर हैं, हम बिल्ली हैं। फिर कभी मेरे एरिया में आओगे? मेरी माँ कभी नहीं, नेवर। मेरे कस्टमर को लूटोगे तुम? हो ही नहीं सकता, नहीं। मुझसे कभी पंगा लोगे? नंगे हो जाएंगे, पंगा नहीं लेंगे। तो ठीक है, सारा माल मेरे हवाले कर दो। हाँ, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े है? आपको मतलब सारा माल दे देंगे, दे देंगे। ठीक है। अरे ये कहाँ से आ गई सड़ी हुई? अबे उठ। है? वो क्या है भाइयों बहनों, ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो मुर्दा है ना, ये मुर्दा नहीं जिंदा है। अबे चलो। बाप रे, बच गए। लातूर कर, स्त्री होकर कैंची ने हमारा कबाड़ा कर दिया। अरे वो स्त्री है तो मैं उस तरह हूँ,
ऊपर से भोला हूँ लेकिन अंदर से बहुत बुरा हूँ। लातूर, अब वो हमारे जाल में ऐसी फंसेगी कि अगर वो भागना भी चाहेगी ना तो भाग नहीं सकेगी। तुम दोनों? यस यस, चलो हमारे पैसों से खरीदे हुए जेवर निकालो। चल दे। देखो मुझे जाने दो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाने की तकलीफ मत करना नहीं तो पब्लिक आ जाए। कहाँ चली गई? जरूर यही कहीं छिपी होगी। मिल जाएगी तो मार मार कर उसको भैंस बना दूंगा। आओ। अरे उस दिन तेरी वजह से अगर हम पब्लिक के हाथ लग जाते हैं ना हमारी तो राख पुर उड़ जाती थी। अरे हमारी जीवन की नैया क्या होती? मौत के भावर में घुस जाती थी। मौत के भावर में घुस जाती थी। चल देवर निकाल नहीं तो पब्लिक। नहीं 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 नहीं, ये लो ये लो ये लो बस। चल जल्दी निकल भाग। चल खा मारे। सुनो सुनो, इस पॉकेट मार को पकड़ लिया। जल्दी भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए ये सच है कि मैंने पॉकेट मारी है। करेक्ट। लेकिन ये भी तो पूछिए कि किसके इशारे पे पॉकेट मारी है? किसके इशारे पर पॉकेट मारी है? इसके और इसके। हाँ भाई साहब, भाई साहब जब मैं छोटी सी थी ना, इतनी छोटी सी थी, तब मुझे ये लोग मेरे घर से उठा कर ले आए। हाँ, उसके बाद इन्होंने मुझे चोरी करना सिखाया, पॉकेट मारना सिखाया। हाँ, और अब मैं पॉकेट मार के आप सबकी मार खाती हूँ। ये दोनों चोटे मेरी कमाई खाते हैं। अगर आपने मुझे सजा देनी है तो दीजिए, लेकिन मेरे साथ इन दोनों को भी सजा मिलनी चाहिए, है ना? ये लोग इसकी कमाई खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 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 कर लाए हैं। हाँ, नहीं, 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 तो इन दोनों को पहले मारना चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? देखिए साहब, इसने मेरा पर्स चुरा है। ये पर्स इसके हाथ में है। ये एक नंबर की चोर है। हम इसे पकड़कर तुम्हारे हवाले करना चाहते थे। ये अपने साथ हमको भी फंसाना चाहती थी। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। चुप रहो। मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर की पॉकेट मारो। हाँ करेक्ट करेक्ट। चलो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको अपनी कार में छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अपनी कार में चले जाएंगे। ओ ये कार हमारी है, हमने 2 लाख में खरीदी है। बाय द वे आपकी कार कहाँ है? भाई साहब ये कार मेरी है। कहाँ चले गए दोनों चोर कहीं के? मिस कैची उर्फ कंचन ने अपना जुर्म खुशी खुशी कबूल कर लिया है, इसीलिए ये अदालत इसे कम से कम 3 महीने की सजा सुनाती है। सजा हो गई ना, मैंने कहा था कि सुधर जा, नहीं सुधरी। क्यों सुधरू? किसके लिए सुधरू? कौन है मेरे आगे पीछे? वापस आऊंगी, फिर जेब काटूंगी, फिर जेल जाऊंगी। ये सब तो चलता ही रहेगा। क्यों, कोई काम नहीं कर सकती? तू क्या समझता है मैंने कभी कोशिश नहीं की? मगर मैं जहां भी नौकरी मांगने गई, मेरे सर्टिफिकेट बाद में, पहले मेरे बदन का उतार चढ़ाव देखा गया। नौकरी मिलने के बाद महीने भर की पगार के अलावा मुझसे ये भी पूछा गया कि पर नाइट क्या लोगी। और फिर तुमने भी तो मुझे सुधारने के लंबे चौड़े भाषण दिए, लेकिन मुझे कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। गुड बाय। कैची, आई लव यू। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा था। मैं तेरा इंतजार करूंगा, वापस आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अभी तक बस नहीं आई, लगता है हमें कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी। हाँ। कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देता हूँ। चंदा, ये बहुत बड़ा बदमाश है, जैकी जक्का। हाय, खुद को धूप में जलाकर अपने गुलाबी रंग पर जुल्म ना कीजिए। शट अप, मुझे गुंडे बदमाशों से लिफ्ट लेने की आदत नहीं है। ए! क्या कहा तूने? गुंडा बदमाश? अब तू मुझसे लिफ्ट ले या ना ले, मगर मैं तुझे अपनी बाहों में छिप करके तेरे कालों पर अपने प्यार का गिफ्ट जरूर दूंगा। बचाओ! 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 अब तेरी यहाँ आवाज सुनने वाला, चीखे सुनने वाला कोई नहीं है। और पता है, मुझे यहाँ देखते ही इस सारे शहर के लोगों को लकवा मार जाता है। लकवा!
मैं चाहूं तो तुझे अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा बड़ा भाई जक्काल तुझे छुड़ा कर ले जाएगा। आज मैं तुझे सबके सामने ऐसी सजा दूंगा कि लोगों के दिल से तेरा डर निकल जाएगा। ऐसी भी सूरज, तेरी यह हिमाकत तुझे बहुत भारी पड़ेगी। चंदा जी भैया, इसके गाल पर इतनी जोर से तमाचा मार कि दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दे। चल जाओ यहां से। एसीपी, मेरा नाम जैकी चक्काल है। ये क्या हो रहा है जैकी, क्या हो रहा है ये? उसने मुझे मारा भाई साहब, उसने मुझे मारा। किसने मारा तुझे? सूरज की बहन ने। उसने रिवॉल्वर की नोक पर मुझे उससे थप्पड़ मरवाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैकी, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। भूल गया कि किसका भाई है तू? तू धनपत जक्काल का भाई है। उस धनपत जक्काल का भाई जिसका नाम हर आंख से टपकते हुए आंसू पर लिखा है। भाई साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। ओके जैकी, देखना तू, देखना। सूरज अपनी हर गलती भूल जाएगा, लेकिन यह गलती जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उस तमाचे की गूंज तो चंद लोगों ने सुनी है, हमारे तमाचे की गूंज सारा शहर सुनेगा, देखेगा। भैया, मैं कॉलेज की फ्रेंड के साथ ना पिकनिक पर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। आपके अच्छा। लिए खाना बना के रख दिया, दोपहर में खा लीजिएगा। ओके। और अपने उस परांठे वाले दोस्त को भी खिला दीजिएगा। लेकिन तू जल्दी आना, शाम का खाना साथ खाएंगे। अरे रोको 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 रोको। ये मेरे आदमी हैं। तेरा थप्पड़, तेरे भाई की वर्दी, उसका रिवॉल्वर, मेरे मुंह पर तमाचा मारा था। आज मैं उस तमाचे का ऐसा जवाब दूंगा कि तेरा भाई खून के आंसू रोएगा, और वो दाग लगाऊंगा कि अगर वो चाहते हुए भी उस दाग को कभी नहीं धो सकता, कभी नहीं धो सकता। चंदा की चुन्नी है। थप्पड़ मारा था ने? इसको बच्चों, भाई जद इसके घर पहुंचा। चंदा, 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 किसने मारा तुझे? बोल चंदा, बोल, बोल चंदा, चंदा,
चला। अरे कमबख्तो, क्यों सुबह सुबह ये बनूस आवाज निकाल रहे हो, है कोई मर गया क्या? हवलदार साहब, आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम? नमस्ते साहब। चंदा एक्सपायर्ड, कम सून। भाई साहब किसका तार है? मेरी मेरी चंदा बिस्तरिया में नहीं रही। क्या? हे राम। तुम्हें तुम्हें रोटी खिलाने वाली, तुमसे झगड़ने वाली, तुम्हें प्यार करने वाली भगवान को प्यारी हो गई। मैं मुझे मुझे शहर जाना होगा, शहर जाना होगा मुझे। अरे क्या बात, क्या बात है बेटा? अरे ये क्या कर रहा है ये बेजुबान? क्या बोलेंगे भाई साहब, ये भी जानना चाहते हैं आपके साथ। चंदा से बड़ा लगाव था इनको। अरे सुन, उसकर बड़ा किया, उन हाथों से मैं उसकी चिता को अग्नि नहीं दे सकता। सूरज, अब यह गम का बोझ तुम्हें उठाना पड़ेगा।
सूरज बेटा, बेटा ऐसे शहर में रहने से क्या फायदा जहां कानून के पहरेदारों को भी इंसाफ नहीं मिलता। देख मैं तो कहता हूं तू यहां से अपना ट्रांसफर करवा ले। कहां ट्रांसफर करा लूं बापू, जहां दूसरा जक्का नहीं मिलेगा। कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा शहर है जहां जक्काल का कलासा नहीं मिलेगा। सिद्ध मत करो बेटा, देखो चट्टान से टकराओगे ना तो सर तुम्हारा ही टूटेगा, चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो सर चट्टान को तोड़ नहीं सकता उस सर का टूट जाना ही अच्छा है बाबू। ऐसा मत कहो बेटा, तू मुझ गरीब की पूंजी का वो आखिरी नोट है जिसे मैं खर्च करना नहीं चाहता। तो समझ लो बाबू तुम्हारी जेब कट गई, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी का यह आखिरी नोट बेईमानी की सारी कमाई पर भारी पड़ जाएगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं सोच रहा था कहीं कहीं बहन की मौत ने तुझे कमजोर ना बना दिया हो, मगर अब पता चला कि तेरी मां ने तेरा नाम सूरज ठीक ही रखा। सूरज कभी डूबता नहीं, वो तो अंधेरों का नाश करने कहीं और चला जाता है। बेटा जिस दिन तू इस शहर में नया सवेरा लाएगा ना, उस दिन ये बूढ़ा हवलदार अपना ये मेडल तेरे सीने पर लगाकर तुझे सलूट करेगा। जीते रहो, चलता हूं। तुम सब यही रहोगे, मैं अपने सूरज को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, उसका ध्यान रखना। भाई क्यों रास्ता रोक के खड़े हो? हम तेरी लाश गिराना चाहते हैं बुड्ढे। अरे हमें क्या हलवा समझ रखा है जो गबागब चट कर जाओगे? हैं? हमारा नाम रिटायर्ड हवलदार शेर सिंह है। शेर सिंह, सरकार ने ये बहादुरी का मेडल हमें तब दिया था जब हमने 30 गुंडों को एक साथ मार गिराया था, और तुम तो केवल 3 हो। हम 3 नहीं, 3,000 है। हमारे पीछे धनपत जक्काल 3-0 बनकर लगा है। तो तुम लोग धनपत जक्काल के गेम की गोट हो, उसके पैंट के नीचे पहनने वाली लंगोट हो। वही तो हम तेरे बेटे को बनाना चाहते हैं, और इसके लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। जब वो तेरी भयानक मौत की खबर सुनेगा तो डरेगा, धूम हिलाएगा और धनपत जक्काल का गुलाम बन जाएगा। Oh!
क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? जो जाने वाली थी वो तो चली गई। हेलो सूरज, मैं जक्काल बोल रहा हूं। सबसे पहले तू मुझे थैंक यू बोल, क्योंकि तेरी बहन ऊपर अकेली थी और मैंने तेरे बाप को भी उसके पास पहुंचा दिया है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाबू बांगड़ा ने उसकी चिता भी जला दी है, तू सिर्फ जाकर उसकी अस्थियां चुन ले। बड़ी गर्मी थी ना तुझे अपनी वर्दी की है? सूरज बोलती बंद क्यों हो गई? क्यों हो गई बोलती बंद? अरे तेरे बाप का कत्ल किया है मैंने, तू चीखा नहीं चिल्लाया नहीं, लगता है कि वो तेरा असली बाप नहीं था। यकीनन तेरा असली बाप नहीं था वो। सूरज ये काम लगता है किसी आतंकवादी का है। ताश के इतने चिथड़े उड़ चुके हैं कि पहचानना मुश्किल है, लेकिन इसके घर वालों को क्या मालूम कि उनका कोई अपना बम विस्फोट का शिकार हो चुका है। बेटा जिस दिन तू इस शहर में नया सवेरा लाएगा ना, उस दिन ये बूढ़ा हवलदार अपना ये मेडल तेरे सीने पर लगाकर तुझे सलूट करेगा। महाराष्ट्र पुलिस 1982, ये मेडल मरने वाले का होगा सर। सूरज एक अनजान आदमी के लिए तुम्हारी आंख में आंसू? अनजान कहां है सर, अपने ही परिवार का तो है। अपने परिवार का? यस सर, पुलिस परिवार का। ड्यूटी पर मरता तो बंदूक की सलामी दी जाती, मगर हमारा जमीर अभी तक मरा नहीं सर। ये पुलिस वाला सूरज सिंह अपने परिवार के सदस्य को सलूट करता है। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आपका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। आप चाहते थे ना कि इस शहर से क्राइम खत्म हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं जब तक इस शहर से धनपाद जक्काल का माफिया राज खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, चल जल्दी जल्दी वो पेटी उठाओ, रख उठाओ, चल बंद कर। ए फुगली के गाड़ी काहे को रोका? उस्ताद उधर देखो, देखता क्या है, हटा सालों को। ये साले ऐसे नहीं मानेंगे, मैं देखता हूं। आओ Thank you.
एसीपी सूरज तू। क्यों पता चल गया ना जकाल की ताकत का? फोकट में तेरी बहन और बाप को ऊपर जाना पड़ा और तू को नहीं बिगाड़ सका। बड़ा तीरंदाज समझता था ना अपने आप को। देख हम जक्कालबास का माल लेकर जा रहे हैं, कल तू जक्कालबास के पास आके अपनी कमीशन लेकर जाना। देख कल्लू कुत्ते रो रहे हैं। रोने दे सालों को, हमें उसे क्या मतलब? मतलब है जब कुत्ते रोते हैं तो किसी की मौत आती है और कुत्तों को पता चल गया है कि तुम लोग सब मरने वाले हो। लगता है तू पागल हो गया है। हाँ मैं पागल हो गया हूं। आज के बाद जो भी अपराधी कानून से बच जाएगा मुझसे नहीं बचेगा। सरकारी वकील की दलीलें इस अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी और मुलजिमों के खिलाफ जो सबूत थे वो डिफेंस ने झूठे साबित कर दिए हैं, लिहाजा ये अदालत बिल्लू चिकना और उसके साथियों को बरी करती है। वो मारा, ये देखो आज की शाम न्यू ईयर नाइट ईव यानी के ब्लैक कैट नाइट ईव हॉट डॉग नाइट ईव। वेरी गुड, अभी शहर में हंगामा होगा, लोग कबाब खाएंगे, शराब पिएंगे और हम बड़े प्यार से उनका माल साफ 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 कर देंगे। और हमारा शिकार ढूंढते रहेंगे। फंटास्टिक। छोड़ वरना मौका टल जाएगा। तेरा मेरा
कर चल जाएगा। चुमन तर छक 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 छू प्यार का पढ़ ले मंत्र तू। बहुत खुश हो तुम लोग, अदालत से छूट गए। अब तो तेरे भेजे में बात घुस गई होगी कि जक्कल के आदमी गिरफ्तार तो हो सकते हैं मगर उन्हें सजा नहीं हो सकती। कानून से तो छूट गए हो लेकिन मुझसे नहीं बचोगे। क्या करेगा, क्या करेगा तू? अरे पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये पुलिस वाला सूरज सिंह कानून को धोखा देने वाले हर अपराधी को मौत की सजा देगा।
मेरी 5 लाशें हैं। जी सर। मिस्टर घाग, तुमने ये नोट किया है कि पहले जो लाशें मिली थी वो भी गुंडे और बदमाशों की थी, और अब ये बिल्लू और चिकना उसके साथियों की लाशें हैं। ये भी तो हिस्ट्री शीटर हैं। सर, ऐसे खूनी को तो गोली मार देनी चाहिए। डोंट बी स्टूपिड, क्या तुम्हें ये रिश्तेदार लगते हैं? सॉरी सर। लगता है कोई नया गैंग इस शहर में आ गया है जो पुराने गैंग को खत्म करना चाहता है और अपना दबदबा बनाना चाहता है। व्हाट डू यू थिंक? राइट सर। खैर, कम। आखिर मसीहा कब तक पकड़ा जाएगा सर? उसके बारे में कोई क्लू मिला? हुलिया कैसा है, कुछ पता चला? आखिर आज आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? आप अखबार वाले अपने सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ भी छाप देते हैं। एक मुजरिम को जनता का मसीहा बना दिया। उसे यह नाम हमने नहीं शहर की जनता ने दिया, क्योंकि वो उन जयराम पेशा अपराधियों को मार रहा है जिन्हें आपका कानून सजा नहीं दे पाता। मसीहा ऐसे गुनहगारों को सजा देकर आम जनता को भयमुक्त कर रहा है। कुछ भी हो, हम क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई नहीं होने देंगे। इसलिए मसीहा केस पर पूरी तरह से छानबीन करने के लिए हमने एक स्पेशल स्क्वाड तैयार किया है जिसके इंचार्ज होंगे एसीपी सूरज सिंह। प्लीज सिट डाउन। मिस्टर सूरज, क्या आपको यकीन है कि आप मसीहा को अरेस्ट कर लेंगे? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, हम तो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे थे। मेरा कॉन्फिडेंस मेरी वर्दी है, मेरा डिपार्टमेंट है। मसीहा ने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए वो कानून का दुश्मन है, और जो कानून का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन को मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब, अब हमारा दुश्मन नंबर 1 सूरज हमारे दुश्मन नंबर 2 मसीहा से भिड़ेगा, और दोनों में से एक ना एक जरूर मारा जाएगा। जक्काल साहब, पहले उस मसीहा को मरना चाहिए। अरे, नाक में दम करके रखा है कसम से। मेरे ख्याल में तो एसीपी सूरज को ही मरना चाहिए। उस साले ने मेरी टांग तोड़ डाली थी। नहीं, सूरज दिन रात हमारी आंखों के सामने रहता है, हम जब चाहे उसे डूबने पर मजबूर कर देंगे, मगर अंधेरे की चादर ओढ़ा हुआ हमारा वो अनजान दुश्मन मसीहा जो हमारे आदमियों को मार रहा है, पहले उसका मरना जरूरी है। मशहूर मुजरिम मसीहा को जिंदा या मुर्गा? अरे, मुर्दा लिखा है, मुर्दा। अरे यार, मुझे कम दिखाई देता तो सीधा पढ़ लेना, तो चश्मा पहन के पढ़ना। हाथ में है। इनाम 10 लाख मशहूर मुजरिम मसीहा मर गए। यार जावेद, गुनेगार तो हम लोग भी हैं। इससे पहले कि ये मसीहा हम लोगों को टपका डाले, हम लोग खुद ही जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर डालते हैं। अरे, मैं जेल से बाहर निकल रही हूँ और तुम लोग अंदर जा रहे हो? हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऊपर नहीं जाना चाहते। कौन साला तुम्हें ऊपर भेज रहा है? धीरे बोल, अगर मसीहा ने सुन लिया ना तू भी खल्लास। मसीहा? हेलो। हेलो बीड़ू, मैं कैंची बोल रही हूँ। मैं अभी अभी जेल से छुटकर आई हूँ। अरे, तेरे एक आई लव यू ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तुझे मालूम है, मैंने जेल में बहुत मेहनत की और बाहर निकलने के बाद उन मेहनत के पैसों से एक मंगलसूत्र खरीदा। अब तेरी मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। अच्छा सुन, अपनी शादी के बाद हम सबसे पहले चंदा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, और बाबूजी को भी अपने पास बुला लेंगे ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। अरे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? आवाज तो सूरज की ही थी। मसीहा के बारे में बात करनी है। सर, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, मैंने मसीहा को पहचान लिया है।
हमें इस जिंदाबाद। अब तक तो मैं तुमसे प्यार ही करती थी, पर अब तुम्हारी पूजा भी करूंगी सूरज। तेरे सूरज को ग्रहण लग चुका है कैंची। अब तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। अगर ऐसा था तो मुझसे आई लव यू क्यों कहा? क्यों मुझसे शादी का वादा किया? हाँ, मैंने वादा किया था, लेकिन अब यह हाथ खून से भरे हैं और मांग खून से नहीं सिंदूर से भरी जाती है। शब्दों के थप्पड़ मारकर रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम जैसे भी हो, मेरे हो। चट्टानों में फसल उगाने की कोशिश मत करना। मेरा अंत सिर्फ मौत है, मौत। और मौत से ना प्यार किया जाता है, ना ही उसकी पूजा। साली कैंची, तेरी किस्मत ही खराब है। जब प्यार नहीं करता था तब भी झड़कता था, और जब प्यार करता है तब भी झड़कता है। इसका मतलब सूरज ही मसीहा है। बोल, क्या करने का है? करने का क्या है, 10 लाख का बेरर चेक हाथ में आ गया है। मसीहा को पकड़वा कर कैश करवा लेते हैं। मेरे भाई, जरा सोच, इस कैश से हम कितने दिन आयश कर लेंगे? लेकिन अगर हम मसीहा के कारनामों को इंसानियत के तराजू में तोले ना, तो करोड़ रुपए भी कम पड़ेंगे। मैं तो तेरा दिल देख रहा था। अरे, ऐसे आदमी के लिए 10 लाख तो क्या अपनी जान भी कुर्बान है। हेलो बाबू, जग्गू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट। तू कई का पुलिस वाला रे? उस दिन तो टीवी में लंबी लंबी फेंक रहा था, मसीहा को पकड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं। उसे पकड़ा तो नहीं? अब मेरे भतीजे की मैया तो रे कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मुझे तुमसे हमदर्दी है बाबू। देख, मेरा भेजा का खोपड़ा बहुत खराब है। मुझे मसीहा मांगता है 24 घंटे के अंदर, वो भी जिंदा। फिर मैं उसका जिंगा फ्राई करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर मसीहा तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। मगर मगर क्या? मुझे तेरी फिक्र होती है। आज के बाद अपने आदमियों के बीच सिक्योरिटी में रहना। अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत बहुत तगड़ी है, तू इसकी फिक्र मत कर। मुझे तो तेरी फिक्र करनी ही पड़ेगी बाबू। अगर तूने लापरवाही की तो तेरा अंजाम भी उस बिल्ली की तरह होगा, जो आंखें बंद करके ये समझती है कि खतरा टल गया है। खतरा खतरा बोल के मेरे को मत डरा। जिस दिन मसीहा मिल जाएगा, ऐसा मारूंगा कि भगवान के बार बार बोलने पर भी पैदा होने से इनकार करेगा। चलो रे, मैयत ले चलो। साहब, ये क्या मसीहा को मारेगा? अगर मसीहा इसके सामने आ गया ना, तो ये पतलून में पेशाब कर देगा। ये सब चौकी लोगों को बाहर गांव की कंट्री में भेजने का। याद रख बाबू बांगड़ा, अगर मसीहा आ गया ना, तो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा, कुत्ते की। आने दो साले को, उसका मैं झींगा फ्राई करेगा।
कौन? एसीपी सूरज? हाँ मैं। मैंने तुझे कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर मसीहा तुझे जरूर मिलेगा, तो ये जान ले कि दिन का सूरज ही रात का मसीहा है, और मसीहा जहां जाता है वहां पाप का अंत होता है। मेरे को मच्छर और खुद को मच्छर मारने वाली अगरबत्ती मत समझ। ये मेरा ही प्लान था कि लड़कियों को बाहर गांव भेजने के लिए यहां लाया जाए तो मसीहा खुद आएगा उनको बचाने के लिए और इस मकड़े के जाल में फंसेगा। तेरे से बड़ा मेरा जाल है बाबू बांगड़ा, वो देख। आज तो मौत से बचकर भाग नहीं पाएगा। ठीक है लेकिन मैं क्या करूं? साहब हमें जल्दी अंदर कर दो साहब, नहीं तो मसीहा है ना हमें जान से मार डालेगा। ए चलो जल्दी चलो। अरे क्या ये सब? आप देर मत कीजिए। इससे पहले कि मसीहा को पता चले कि हमने कानून को धोखा दिया है, आप हमें हमारे जुर्म की सजा दीजिए। साहब हम लोगों ने बड़े बड़े अपराध किए साहब, लेकिन आज तक कानून की नजर से बचते आए साहब, लेकिन अब लगता है मसीहा से बच नहीं पाएंगे साहब, हमें गिरफ्तार कर लो साहब। अभी अभी खबर मिली है कि शहर के कुछ और बदमाशों ने पुलिस कमिश्नर के आगे अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए। ये सब अपने आप को जबरदस्ती अरेस्ट करवाने पर तुले हैं। मसीहा का आतंक गुंडे बदमाशों पर बढ़ता ही जा रहा है। समाचार समाप्त हुए। अगर यही हाल रहा तो हम सारे के सारे क्रिमिनल लॉयर्स बेकार हो जाएंगे। ये तो एक दिन होना ही था। तेरी वो पुलिस इतनी सख्ती से मसीहे को नहीं पकड़ सकी। इस्तीफा दे दे भाई साहब, इसको बोल दीजिए कि इस्तीफा देने के लिए, नहीं तो मैं सब मार डालूंगा। नहीं नहीं जगाल साहब बचाइए, जगाल साहब देखिए मेरा नाम प्रजापति है, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ आप लोगों के लिए सारी प्रजा को बेगुआ बना के रखा हुआ है। देखिए मुझसे मेरी कुर्सी मची नहीं है। कुर्सी कब तक के भाई साहब के चरणों में छुपा रहेगा? कब तक इनके दामन से लिपटाएगा? प्रजापति हम तुझे 24 घंटों की मोहलत देते हैं, अगर 24 घंटों में तूने मसीहा को नहीं पकड़वाया तो हम तुझे मसीहा बनाकर पुलिस के सामने पेश करेंगे। मैं ये फोन। हेलो, हम प्रजापति बोल रहे हैं जी। मसीहा अब तक ढेर सारी लाशें बिछा चुका है और आप ढेर सारी पुलिस फोर्स के साथ उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कातिल तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं बहाने नहीं सुनना चाहता कमिश्नर, मुझे सिर्फ एक्शन चाहिए, एक्शन, वरना अपने तबादले के लिए तैयार रहो।
समझे? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मसीहा कौन है, क्योंकि तेरे सामने उसने बिल्लू चिकना, तेरे सामने जगु मच्छी, तुम दोनों के सामने उसने बाबू भांगड़ा का खून किया है। बताओ, बताओ कि मसीहा कौन है? हम मरते मर जाएंगे, पर उसका नाम नहीं बताएंगे। हाँ, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो ठीक है, तो ठीक है, फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जानना चाहता है ना मसीहा कौन है? मसीहा मैं हूं। ओ, तो तू मसीहा है, मगर तू भी अब सुन ले, तू भी अब मेरे इन हाथों से नहीं बचेगा। Under arrest. इंस्पेक्टर सूरज की सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो गया? सिक्योरिटी बहुत टाइट है सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वेरी गुड सर। मिस्टर गार्ग, कल ठीक 11 बजे हमें सूरज को अदालत में पेश करना है, बट वेरी केयरफुली। यस सर। ओके, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। गोली चलाओ, बम के धमाके करो, पुलिस लाकर उड़ा दो। मुझे हर हाल में सूरज चाहिए, उसने मेरे भाई को मारा है। चक्काल साहब, सूरज को पुलिस हेडक्वार्टर्स में रखा गया है और वहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि वहाँ से हवा तो बाहर आ सकती है लेकिन सूरज बाहर नहीं आ सकता। लेकिन उसे बाहर निकालने की जरूरत क्या है? उसने इतना कत्ल किया है कि कानून उससे फांसी जरूर दे देगा। नहीं प्रजापति, नहीं, सूरज को कानून नहीं, हम सजा देंगे और उसकी सजा होगी सजाए मौत।
कमिश्नर साहब। ये क्या बदतमीजी है? इस शहर का मालिक जक्काल है, इसलिए हम सरकार की नहीं जक्काल की अदालत में जाएंगे। आइए सूरज साहब, आइए आइए। देख, यह है मेरी अदालत, मेरा जेल, मेरा फांसी घर। इसीलिए लोग मुझे 4J कहते हैं। 4J, J फॉर जकाल, J फॉर जेलर, J फॉर जज और J फॉर जल्लाद। और J फॉर जूता भी होता है जक्काल। सच कहा तूने, जेफ और जक्काल का जूता भी होता है जो इस वक्त तेरे सर पर टंगा हुआ है। बड़ा बदनसीब है यार तू, क्योंकि जहां जा रहा था वहां भी जज तेरे मुकद्दर में मौत ही लिखता है और यहां भी तुझे मौत ही मिलेगी। जगह बदल गई, तकदीर नहीं बदली। मेरी तकदीर बदले या ना बदले, लेकिन जगह बदलने से तेरी तकदीर जरूर बदल गई है। वहां मुझे कानून से मौत मिलती और तू जिंदा बच जाता। मुझे यहां बुलाकर तूने अपनी मौत खुद पक्की कर ली है। सूरज, तूने आज तक जितनी सांसें नहीं ली उससे ज्यादा मैंने लाशें गिराई हैं। मेरे सामने तेरी औकात उतनी ही बड़ी है जितनी सर के बालों के सामने नाक के बालों की होती है। जुमला अच्छा है, बांध दो सबको। दस्तों की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर सूरज पर इल्जाम है, इसने जुर्म के इस जंगल में जक्काल साहब के 30 वफादार आदमियों का खून किया है। इसलिए मेरी जक्काल साहब से दरखास्त है कि 30 खून के बदले में मुजरिम को 30 बार फांसी दी जाए। दस्तों की इस अदालत का वकील बनकर तूने कानून की तौहीन की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा नहीं, तुझे खटमल की मौत मिलेगी, जिसे खटिया के पटकने से खट से जमीन पर टपक जाता है और पट से पैरों के नीचे पीस कर मर जाता है। अच्छा जुमला है ना? ए, ये जक्काल की अदालत है, अब और कुछ बोला ना तो गोली पेट में उतार दूंगा। मेरा नाम ACP घाघ है, घाघ। अब घाग नहीं, अब वो बदबूदार झाग है जो चोरी का चारा खाने वाली भैंस के मुंह से गिरता। Shut up! Hey, मिस्टर shut up! जरा मेरे हाथ खोल, फिर देख। तुझे कानून की हरथी पर लिटाकर तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके तेरा नाम निशान मिटा दूंगा। कानून के कांधों पर मेरी अर्थी ले जाने की तमन्ना करने वाले अक्कल के दुश्मन, तुम लोगों ने यह जरूर सोचा होगा कि मेरे भाई या मेरे साथियों की मौत ने मुझे कमजोर कर दिया है। मगर यह क्यों नहीं सोचा कि चंद तारों के टूट जाने से आसमान की ऊंचाई कम नहीं होती। आज भी जक्काल का जलाल कहर बनकर लोगों को कांपने के लिए मजबूर करता है। इस शहर के मौसम मेरे ही इशारों पर बदलते हैं, हर सांस पर मेरा कब्जा है, मेरा। लोग भूले से भी जक्काल के जाल से निकलने का सपना नहीं देखते। मगर मगर सूरज, तूने मेरे जाल को तोड़ने का सपना देखा, मेरे भाई को मार डाला तूने। आज भुगतोगे तुम अपने किए की सजा, और सबसे पहले मौत के अंधेरे में डूबेगा सूरज। I said stop it! कितना मजबूर है तू, इस शहर का पुलिस कमिश्नर होते हुए भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा, माफिया राज का राजा। मत भूल कि बनाना बिगाड़ना ऊपर वाले के हाथ में है। वो तेरे मगरूर सर को इतनी ठोकरे मारेगा कि तेरे माफिया राज का राजमहल शीशे की तरह चकना चूर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले तू दुनिया से दूर हो जाएगा। ए, पकड़ो से!
मुजरिम हाजिर है। सूरज, तुमने कानून को जरूर अपने हाथ में लिया है, लेकिन साथ ही साथ कानून की मदद भी की है।
शायद से माफी राज को खत्म कर दिया। मैं राष्ट्रपति से अपील करूंगा कि तुम्हारी सजा कम से कम हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। यू आर ग्रेट सर। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर।